नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है, वहीं ऐसे में हर देशवासी को इसका सम्मान करना चाहिए। शुक्रवार को सीएम योगी ने राजस्थान के भीनमाल के नीलकंठ महादेव मंदिर में ये बात कही। वहीं सीएम योगी ने भीनताल में नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन किया और मंदिर के जीर्णोद्वार समारोह में शामिल हुए। वहीं मंदिर में जीर्णोद्वार कार्यक्रम में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म ही इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। देश में गाय और ब्राह्मणों की रक्षा होनी चाहिए। अगर किसी कालखंड में हमारे धार्मिक स्थलों की अपवित्र किया गया है तो स्थलों की पुनः स्थापना के लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए, जैसा कि आज नीलकंठ महादेव मंदिर को फिर से संवारा जा रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1400 साल पुराने भगवान नीलकंठ का ये पवित्र स्थल हम सबको अभिभूत करता है। इस भव्य मंदिर में श्रद्धालुओं को भगवान नीलकंठ के पवित्र शिवालय के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे धार्मिक स्थलों को पुनः स्थापित करने का काम शुरू हो चुका है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राम मंदिर। 500 सालों बाद प्रधानमंत्री मोदी के कोशिशों के बाद भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम आज पूरा होने जा रहा है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले और इस अभियान का क्रम आज आप देख रहे होंगे। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुजनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है।